जीवन और रंगमंच एक तरह से ये बहुत आसान भी है, इस पर कुछ कहना, लेकिन अगर इसके अंतर सूत्र तलाशेंगे या इसकी सांस या इसकी नब्ज को या इसकी धड़कन को पकड़ने की चेष्टा करेंगे तो कुछ कठिन भी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग साथ बने रहेंगे और सुनते रहेंगे, सहृदय श्रोता दर्शक, जैसे कि नाटक में होता है, नाटक का दर्शक सहृदय होता है, तो अपनी बात कुछ कह पाऊंगा। इस समय जो देश या पूरी दुनिया, पूरा हमारा समुदाय, हमारा समाज जीवन को लेकर और कलाओं को लेकर, ख़ास तौर से जो प्रदर्शनकारी कलाएं हैं उनको लेकर एक अजीब से संकट, उहापोह, अनिश्चितता के दौर में है। महामारी का काला बुरा साया है, COVID-19 या जिसे लोकप्रिय शब्दों में कहें कोरोना के संकट काल में एक अजीब सी बेचैनी है, एक अजीब सा संकट है, सब कुछ अनिश्चित। जीवन का क्या होगा, हमारे समाज का क्या होगा, हमारे लोगों का क्या होगा, हम कैसे बचेंगे, कैसे बचाएंगे, हमारी स्मृतियां कैसे बचेंगी, या भविष्य में हमारे पास क्या होगा जिसे हम गुनगुनाएंगे, जिसे हम कौन सी पीड़ा होगी जिसका हम बयान करना चाहेंगे, कौन सी यादें होंगी जिनको हम अपने साथ रखना चाहेंगे, कौन सी बातें होंगी जो हम अपनी आगे की पीढ़ी को देना चाहेंगे। दोस्तों, एक ये अजीब सा समय है, कठिन समय है, बहुत जिसे कहते हैं कि टफ टाइम है, आप सब इसे जूझ रहे हैं, हम सब इससे जूझ रहे हैं। थिएटर को लेके पूरा समुदाय, थिएटर के लोग, थिएटर करने वाले लोग, थिएटर से प्रेम करने वाले लोग बहुत चिंता में हैं कि, और आनन फानन में इस शब्द के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में उसका विकल्प तलाशा जा रहा है, जबकि आप देखें तो एक महामारी है और पैंडेमिक या महामारियों से ये समाज, ये दुनिया हमेशा जूझती रही है और जूझ कर लड़कर आगे निकलती रही है। अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हों या इतिहास में थोड़ी भी रुचि हो तो ये तो जानते ही होंगे कि ईसा पूर्व ही 141 बार महामारी आई थी प्लेग की शक्ल में। ईसा के बाद 170 बार प्लेग महामारी पूरी दुनिया में फैली, यानी कि ये महामारियां आती रहीं और मनुष्य लड़ता रहा। 15वीं शताब्दी में ही 109 बार प्लेग महामारी फैली थी और न जाने कितने मनुष्य, इंसान मारे गए थे। 20वीं शताब्दी के आखिर में तक महामारियां आती रहीं और नए नए शक्ल में 19वीं शताब्दी के आखिर में ये प्लेग एशिया के देशों में आया और उसी के आसपास भारत में भी आया। आप जानते हैं कि स्पेनिश फ्लू महामारी 1918 में आई और करोड़ों लोग इससे मारे गए। कहते हैं कि लाखों की संख्या में अपने ही देश में लोगों का जीवन नहीं रहा, लेकिन मनुष्य का जो उसकी जो अभिव्यक्ति है,
जो अपनी बात कहने की ललक है। इन महामारियों में भी क्या थिएटर खत्म हो गया? पिछले 2-3 दशकों से विचारधारा के अंत की घोषणा हो रही है। विचारधारा का अंत हुआ या नहीं आप सब जानते हैं। अगर अंत विचारधाराओं का होता भी है तो कौन सा विचार है जो मनुष्य को जीवित रखेगा, ये विचार करने की बात है। यहाँ विचारधारा का अंत का सवाल छोड़ देते हैं। थिएटर के अंत की बातें जाने कितनी बार कही गई, बार बार कही जाती रही हैं। 28 दिसंबर 1895 को पेरिस में, वहाँ के संयोग देखिए कि पेरिस में इंडिया हाउस में जब लुमियर ब्रदर्स ने पहली बार सिनेमा दिखाया जनता को, लोगों ने पहली बार सिनेमा देखा 28 दिसंबर 1895 को पेरिस के इंडिया हाउस में। उसके बाद से ये और बातें तेज़ हो गई, ज़्यादा मुखर हो गई, ज़्यादा ज़ोर से लगभग चीख चीख के कहा जाने लगा कि रंगमंच का तो अब अंत हो रहा है। उसके लगभग 6 महीने 7 महीने के बाद 7 जुलाई 1896 को जब बम्बई, अब का मुंबई के होटल वाटसन में जब वो सिनेमा दिखाया गया, तो भारत में भी ये चर्चा ज़ोर से होने लगी कि अब तो थिएटर ख़त्म, हमारा रंगमंच ख़त्म, हमारा लोक रंगमंच अतीत बन जाएगा, अब यही छा लेगा। ठीक ऐसे ही जब तमाम टेस्ट के बाद 1959 में जब टेलीविज़न आया दुनिया में, फिर से ये बात होती रही। आप रंगमंच के मेरे साथी और रंगमंच के इतिहास के लोग जानते हैं कि रंगमंच का इतिहास तो दरअसल आदिम काल से ही शुरू हो जाता है, और भारत में प्री वैदिक, पोस्ट वैदिक होते हुए आज जिस रूप में हमारे सामने थिएटर है उसे आप जानते हैं। इसके बीच तमाम घोषणाओं के बाद, तमाम तरह के संकट के बाद, सैकड़ों बार दुनिया में महामारियों के फैलने के बाद क्या थिएटर ख़त्म हो गया? तो आखिर क्या चीज़ है थिएटर? थिएटर मनुष्य जाति से कैसे शामिल है? हमारी चेतना से, हमारी बुद्धि से, हमारी समझ से, हमारे मन से, हमारी आत्मा से कैसे थिएटर संवाद करता है? क्या है थिएटर में? थिएटर के अगर आप दर्शक भी हों, थोड़ा उसके सौंदर्य और उसके असर को देखें, उस पर विचार करें, तो दरअसल हम पाते हैं कि थिएटर हमारे सपने हैं, मेरे सपने हैं, आपके सपने हैं, हमारे समुदाय के सपने हैं, हमारे लोगों के, हमारे लोगों से मेरा आशय, जिनके साथ हम जीते मरते हैं उनके सपने हैं। हम जैसी दुनिया चाहते हैं या जैसी दुनिया नहीं चाहते उसकी बात करता है थिएटर, हमारी स्मृतियों का प्रदर्शन है थिएटर, हमारी यादों का, स्मृतियां चाहे वो रखने लायक हों, चाहे भूलने लायक हों, चाहे स्मृतियों के सहारे भविष्य को गढ़ने वाली बात हो, उनका प्रकटीकरण है थिएटर। क्या स्मृतियों और सपनों से छोड़कर या इसे छूटकर या इसे बिछोड़कर कोई थिएटर हो सकता है? मेरा दागिस्तान, आप जानते हैं, बहुत मशहूर किताब है रसूल हमजतो की, मेरा दागिस्तान, उसमें अबू तालिब के हवाले से बात कही गई है कि
अगर तुम अतीत पर पिस्तौल से गोली चलाओगे तो भविष्य तुम्हें तोप से उड़ा देगा। आशय ये है कि हम अपनी स्मृतियों से विमुख नहीं हो सकते, हम स्वप्न देखना बंद नहीं कर सकते। जैसे जो कल का थिएटर होगा, कल यानी अभी इस बातचीत के बाद के तुरंत बाद का थिएटर होगा, तो उसमें उसके अतीत यानी जो आज का वर्तमान है उसमें हमारी खुशियां भी दिखेंगी, हमारा लहू दिखेगा, उसमें हमारी आंखों की चमक दिखेगी, तो हमारे पैरों के छाले दिखेंगे और उनसे रिश्ता, उनसे बहता खून भी दिखेगा। हो सकता है वर्तमान में हम भविष्य के थिएटर में हम अघाए हुए दिखें तो बहुतेरे लोगों की, बहुसंख्य लोगों की भूख भी दिखेगी। सामूहिक चेतना जिस तरह थिएटर में आती है, आप कह सकते हैं कि मैं मानता हूं कि हो सकता है कि मेरा वक्तव्य थिएटर का इंसाइडर होने की वजह से बहुत आत्म प्रशंसा से भरा और आत्म मुग्धता से भरा हो सकता है थिएटर का मैं को लेकर मैं बायस्ड हूँ और हूँ, लेकिन वैसी समालोचकीय या आलोचकीय या क्रिटिकल नज़रिया जानबूझ के या थिएटर की सीमाओं को जानते हुए भी मैं आपसे ना कह पाऊँ, क्योंकि थिएटर को लेकर बहुत से प्रेम भरे और सुख भरे पूर्वाग्रह मेरे जीवन में हैं। तो हमारी सांस्कृतिक पहचान, इसे कहते हैं शेयरिंग ऑफ ड्रीम्स, केयरिंग एंड शेयरिंग, ये थिएटर के अलावा क्या कोई और कला माध्यम उपलब्ध कराता है या नहीं? कहते हैं कि इसे मैं ज़िंदगी की बात करूं या खुद अपने अनुभव की बात करूं, इसे अंग्रेजी में कहावत है कि आर्ट्स एम टू प्रोवाइड एन एलिवेशन ऑफ योर लेवल बाय गिविंग यू आर्टिस्टिक जॉय। थिएटर को आर्ट या कला का एक सुंदरतम, मैं यहाँ कविता की बात नहीं कर रहा हूँ, सुंदरतम रूप माना जाए तो आप कह लें कि थिएटर आपको समृद्ध करता है, आपको बड़ा करता है। आप देखते हो कि एक जिस तरह की निजी सजीवता थिएटर में है वो किसी और माध्यम में क्या ये आ पाती है? जब आप अंधेरे बंद बड़े हॉल में जाते हैं, एक कोना उसका प्रकाशमान है, उस प्रकाशित मंच पर जो कोई अभिनेता आता है या कोई भी परफॉर्मेंस का कोई स्पेस हो, कोई एक्टिंग स्पेस हो, प्रोसिनियम थिएटर से बंद हॉल ना भी हो तो भी, तो जब अभिनेता आता है चमकती कुछ कई जोड़ा, कुछ सैकड़ा या कुछ हज़ार आँखों को देखता है, ऑडिटोरियम में चारों तरफ वो चमकती आँखों को देखता है, उसे महसूस होता है कि उसको चाहने वाला, उसको मानने वाला, उसको रिकग्नाइज करने वाला, उसका प्रेमी, उसका आलोचक वहाँ मौजूद है। और अभी हाल में एक व्याख्यान में वरिष्ठ निर्देशक सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ जी, जिन्हें हम लोग बहुत प्यार और सम्मान से बाबा कहते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात याद दिलाई कि थिएटर में दर्शक और अभिनेता दोनों एक साथ कल्पनाशील होते हैं, क्रियाशील होते हैं, रचनाशील होते हैं।
अभिनेता रच रहा होता है उसी के समानांतर अभिनेता भी रच रहा होता है, वो भी क्रिएट कर रहा होता है। पूरी कहानी, पूरे कथ्य, पूरे इंटरप्रिटेशन, पूरी व्याख्या जो अभिनेता कर रहा होता है, निर्देशक कर रहा होता है, या सारे डिजाइनर के माध्यम से उनके ज़रिए निर्देशक प्रोड्यूसर्स कर रहे होते हैं, आप देखें कि दर्शक भी ठीक उसी समय रच रहा होता है, क्रिएट कर रहा होता है। आप उसकी भी कल्पनाशीलता, उसका भी इमेजिनेशन एनरिच कर रहे होते हैं। ये सुविधा क्या किसी और कला माध्यम में है? मैं सवाल नहीं खड़े कर रहा हूँ, मैं ज़िंदगी के जो सूत्र होते हैं वो थिएटर में किस तरह शामिल होते हैं और किस तरह से उन सूत्रों को की बुनावट की जाती है कि जैसे थिएटर अपनी रूह ज़िंदगी में पाले और ज़िंदगी अपनी आत्मा थिएटर में देख सके। आप अगर बतौर दर्शक भी देखें तो थिएटर में मंच पर, थिएटर एक तरह से मंच पर एक कलेक्टिव थॉट का, सामूहिक मानवीय भावनाओं का सृजन करता है और पूरे समुदाय के जीवन को जिस तरह उधार कर सामने रख देता है उसे कई बार पूरा समुदाय, कम्युनिटी बेचैन हो जाती है, कई बार खुशी से निहाल हो जाती है, क्योंकि वो जानती है, समुदाय या कम्युनिटी जानती है, जानता है कि मनुष्य का मनुष्य से दो समुदायों के बीच संपर्क का, संबंध का, रिश्ते का सबसे मजबूत या बहुत मजबूत सर्वोत्तम साधन है। एक बात और थिएटर को लेकर आती है कि क्या ये जिस तरह का विकल्प सुझाया गया इस बीच महामारी के दौर में, मेरा मानना है कि ये महामारी कोई बहुत लंबे समय तक नहीं टिकने वाली है। जब 1918 का स्पेनिश फ्लू नहीं टिक सका और ईसा पूर्व 141 बार उसके बाद कुछ व्यवधान आ गया था एक फ़ोन की वजह से, आप सुन पा रहे हैं ना? मुझे बता दें कि कुछ एक बीच में व्यवधान आया था। हेलो नरेंद्र, आप सुन रहे हैं? देवन जी मैं बोलूं? ठीक है, मैं अपनी बात करता हूं कि मैं ये कह रहा था कि इतनी महामारियां आईं, उनके बीच में इतने विकल्प तलाशे गए और इतने संकट के बाद क्या इंसान का इंसान से दुख सुख साझा करना, अपनी बात कहना, बात मानना और सामूहिक स्वर को आवाज़ देना, उसे मुखरित करना कभी बंद हुआ है? तो ऐसे में बहुत संभव है, या ये असंभव सी बात है कि थिएटर ख़त्म हो जाए। एक बात जिसे कहते हैं कि आखिर कोई थिएटर क्यों करता है, कौन सी इच्छा है जो थिएटर से ही पूरी होती है, बाकी किसी और माध्यम से नहीं पूरी होती, जबकि ये हर कोई जानता है कि थिएटर से बहुत बड़ी कोई ऐसी क्रांति नहीं हुई है। आर्थिक अभाव पूरा नहीं होता और
अपने समाज में, उत्तर भारतीय समाज में बहुत सम्मान की दृष्टि से भी थिएटर नहीं दिखाया जाता है। तो कौन सी दो इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं होती? गुरुओं ने बताया था, पहली बार जब ये थिएटर को लेके चेतना जागृत हो रही थी और मन सजग हो रहा था, उसी समय ये महसूस कराया गया और उसका भान हुआ कि एक तो मनुष्य से जीवंत संवाद करने की इच्छा, हमारा आपका जैसे किसी माध्यम से हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये सुख हमारा बढ़ जाता जब हम आप कहीं मिल के बात कर रहे होते, किसी नुक्कड़ पर, किसी चाय की दुकान पर, आपके घर में, मेरे घर में, सड़क पर, चौराहे पर, किसी प्रेक्षागृह में। तो एक पहला कि मनुष्य से जीवंत संवाद करने की इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती। दूसरी, आत्मविस्तार की इच्छा, अपना ही अपने आप को विकसित होते देखने की, विस्तार अपना देखने की इच्छा, अपनी खोज, अपनी पुनर्खोज करने की इच्छा, ये कभी ख़त्म नहीं होती। यही दो इच्छाएं थिएटर में अभिनेता बनाती हैं, निर्देशक बनाती हैं या दर्शक बनाते हैं। जीवन, मस्तिष्क, शरीर और आत्मा, इन सब का मौलिक अधिकार है कि वो अपने आप को प्रशिक्षित करे, संस्कारित करे। मानसिक आत्म संस्कार या प्रशिक्षण, उसकी वैज्ञानिक यात्रा इतिहास, समाज, आधुनिकता, सौंदर्य, कला, सभ्यता, परंपरा, इतिहास, संघर्ष, संकल्प, सपने, अस्मिता बोध, इतिहास बोध, इन सब से बनता है। और ये बोध, ये ज्ञान, यानी मनुष्य की मंजिल, ऐसी चीज़ या कला है जो उसका अपना है, यानी यथार्थ और जो समकालीन जीवन के प्रश्न हैं उनकी छवि, उनका उत्तर, उनका प्रतिउत्तर थिएटर में जिस तरह से मिलता है और जितने कर्कश और कर्णप्रिय दोनों तरह से मिलता है। कर्णप्रिय इतना कि आपको सुख मिले, कर्कश से मेरा मतलब ये है कि इतना कि आपको बेचैन करे, आपको उंगली उठाने की, किसी नब्ज पर हाथ रखने की ताकत दे सके। इस तरह मैं थिएटर को जोड़ पाता हूँ, यानी एक मॉडर्न मैन बनने की जो सहूलियत, जो रास्ता थिएटर देता है। जब मॉडर्न मैन की बात मैं कर रहा हूँ तो आखिर ज़रा सोचिए कि एक आज का मनुष्य, मॉडर्न मैन, क्या क्या जानेगा, उसे क्या क्या जानना चाहिए। एक मॉडर्न मैन को डेमोक्रेसी जाननी चाहिए, फैसिज्म जानेगा, वो गांधी को जानेगा, टैगोर को जानेगा, शेक्सपियर को जानेगा, कालिदास को जानेगा, भारतीय ज्ञान परंपरा को जानेगा, भारतीय दर्शन परंपरा को जानेगा, भारतीय सभ्यता को जानेगा, विश्व के साहित्य को जानेगा, सभ्यता को जानेगा, अरिस्टोटल को जानेगा, सॉक्रेटिस को, कांट को, डिकार्ट को, स्पिनोज़ा को, मार्क्स को, वेदांत को, शंकराचार्य को,
अद्वैत दर्शन को, दुनिया का सारा साहित्य, सारे दर्शन, सारे विचार, सारा अच्छा सिनेमा, हिंदुस्तानी क्लासिक, वर्ल्ड क्लासिक्स, भारतीय संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, भारतीय लोक संगीत, कर्नाटक संगीत, दुनिया का संगीत, विश्व का लोक संगीत एक मॉडर्न मैन जानेगा, यानी वो सब कुछ जानेगा, अपने टाइम और स्पेस को जानेगा, अपने समाज के लोगों के सुख को जानेगा, उनके आंसू को जानेगा। तब एक मॉडर्न मैन की निर्मिति या उसका निर्माण निर्माण ब्रांड से नहीं होगा। दुनिया के तमाम अच्छे ब्रांड के कपड़े, घड़ियां, पेन, मोटर कार, बहुत महंगा घर, बहुत शानदार यात्राएं आप कर लें, क्या आप आधुनिक मनुष्य हो सकता है? कि आप आधुनिक मनुष्य की जो परिभाषा आप गढ़ते हैं लुक्स को लेकर, वैसा आप देखने लग जाएं, लेकिन क्या उसकी चेतना, उसका दिमाग, उसका मानसिक स्तर, उसकी सोच आधुनिक हो पाई? तो थिएटर ये रास्ते आधुनिक मनुष्य, मॉडर्न मैन, मॉडर्न वीमन बनने का जो रास्ता सुझाता है, यानी वो आसान कर देता है। अभी इस COVID-19 या कोरोना पैंडेमिक में अचानक कुछ चीज़ें शुरू हो गई, क्वारंटीन थिएटर फेस्टिवल या फेसबुक थिएटर फेस्टिवल, यूट्यूब थिएटर फेस्टिवल, डिजिटल थिएटर फेस्टिवल आदि आदि। ठीक है, एक समय काटने के लिए मेरा मानना है, और एक अच्छा टाइम पास के लिए, बहुत हद तक अवसाद या ऊब से बचाने के लिए आप इसको रख लें, देख लें, लेकिन ये क्या जीवंत थिएटर का विकल्प है, जहाँ दर्शक और अभिनेता, निर्देशक सभी कल्पनाशील, रचनाशील और क्रियाशील हैं? कहा यह गया कि थिएटर का भविष्य क्या होगा, जाने कितने संकटों में और सैकड़ों बार ये सवाल सोचा गया। मैंने शुरुआत में आपसे बात की कि सैकड़ों बार की महामारियां और 28 दिसंबर 1895 के बाद से लगातार सिनेमा के साथ बहस, ये थिएटर के खात्मे की घोषणा, फिर टेलीविज़न के आने के बाद रिकॉर्डेड कोई चीज़ क्या जीवंतता का कोई विकल्प हो सकता है? और जो थिएटर हमारी सांस्कृतिक पहचान, अस्मिता, इटर्नल एसेंस, अस्मिता, मान मूल्य जो एक जीवंतता में, एक समग्रता में उपलब्ध कराता है, वो क्या किसी और कला माध्यम में ये संभव है? तो ये दौर भी ख़त्म हो जाएगा। और दरअसल कैमरे की भाषा ही अलग होती है, कोई शूट करके दिखाने पर या फिल्मांकन करके दिखाने पर वो कैमरामैन या निर्देशक जो चाहेगा, जितना चाहेगा, जब चाहेगा, जैसे चाहेगा, वैसे दिखाएगा। आप मंच पर जब आप नाटक देख रहे होते हैं, आप जितना चाहते हैं, जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, वैसा देखते हैं, क्योंकि आप लगातार अपनी बुद्धि का, अपनी अपने विवेक का, अपनी आत्मा का प्रयोग करते हैं,
और आपके सामने जिसे कहते हैं कि एक अनपैक करना, एक अभिनेता अपने सहयोगियों के साथ, अभिनेत्री अपने लाइट डिज़ाइनर, म्यूजिक डिज़ाइनर, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, मेकअप आर्टिस्ट अपने इंटरप्रेटर यानी निर्देशक के साथ, वो चीज़ों को अनपैक करता है, खोलता है विचारों को, आइडियोलॉजी को, एस्थेटिक्स को, शब्दों के अर्थ को, उनके बहुतेरे अर्थों को खोलता है। तो मैंने कहा ना कि एक ये अवसाद को दूर करने के लिए, लोकप्रियता हासिल करने के लिए भी, जैसे हो सकता है कि अगर मेरे पास रिहर्सल करने की सुविधा ना हो तो अपनी ऊब को मिटाने के लिए मैं, हो सकता है कि एक रिकॉर्डेड वर्जन को दिखाऊं, लेकिन वो मेरे मेरे मन बहलाव की चीज़ है। वो मुझे कहीं से मेरे आत्म को, मेरी आत्मा को परिष्कृत नहीं करता। तो ये संकट जो आया है, और ये ख़त्म तो नहीं होगा जल्दी से लगता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो स्थायी है। हो सकता है कुछ हफ्तों की बात हो, कुछ महीनों की बात है। कई कई बार हम लंबे समय तक रिहर्सल नहीं कर पाते कई कई कारणों से। तो लंबे समय से ख़त्म ना होने से मेरा आशय और आशंका वो ये है कि हम जैसे लोग जो बहुत बेचैन हैं रिहर्सल हॉल में जाने के लिए, अपने दोस्तों से मिलने के लिए, उनसे डायलॉग करने के लिए, उनसे बहस करने के लिए, हम लोगों के लिए एक एक दिन, एक एक हफ्ता बहुत भारी पड़ रहा है। तो महीना दो महीना ही बहुत ज़्यादा लगता है, और जैसे कि दो तीन चार महीना बीता है वो ये बहुत एक तरह से मानसिक कष्ट में बीता है। दूसरी बात मैं एक और आपसे साझा करना चाहता हूँ कि एक जो थिएटर में लेके, थिएटर को लेके, अलग अलग चीज़ों को लेके, हो सकता है कि उनसे हमारी सहमति हो या ना सहमति हो। देखिए थिएटर में आप सब जानते हैं, बहुत पुरानी बात है लेकिन बहुत ज़रूरी बात है, कि सारी कलाएं शामिल हैं, ये हर कलाओं को शामिल कर लेता है। लेकिन थिएटर अपने अपने जैसा मेटाफर जहाँ पाएगा, ये कोई कला उसी से जुड़ेगी। जैसे कलाओं के नाम पर जो चीज़ें ग्लोबलाइजेशन की पैकेजिंग में या कंज्यूमरिज्म की पैकेजिंग में जो चीज़ें आ रही हैं, एक जैसा टेस्ट, एक जैसा फूड, एक जैसा पहनावा, सोच को भी एक जैसे कर देने की जो कुचेष्टा या कोशिश हो रही है, ऐसे में मुझे लगता है कि कोई भी इस तरह का जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है वो तो नहीं चलने वाला है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का भी अपना एक लॉजिक होता है। जैसे मंदिर में चर्च का आर्किटेक्चर नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों की संकल्पना और संरचना अलग है। अपना मेटाफर मालूम होना चाहिए, अपनी खिड़की खुली होनी चाहिए, और जिस तरह के प्रयोग संगीत में हुए हैं या नृत्य में हुए हैं वो कुछ बहुत अच्छे हुए हैं। आप देखिए कि संगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत और भारतीय शास्त्रीय नृत्य को लेकर जो प्रयोग पश्चिमी संगीत के साथ हुआ है, उसमें दोनों कलाओं को, नृत्य को, संगीत को, भारतीय अपना मेटाफर, अपनी आत्मा का बोध है, और वो उसकी पूरी पहचान साफ साफ होती है। तो एक अपना जो इंटेलेक्चुअल विजडम है,
अपनी वैचारिक अंतर यात्रा है, उसका जो पैसेज है वो अपनी कला में बना रहे, उसको ना खोने की शर्त में ही हम किसी दूसरे कला माध्यम या दूसरे संस्कृतियों से, दूसरी परंपराओं से हम संवाद करें या हम उन चीज़ों को ग्रहण करें जिनमें हमारा इको हो, हमारी प्रतिध्वनि हो, जो एक विश्व दृष्टि बनने में सहायक बनती हो, विश्व नागरिक बनने में। यानी अगर हम किसी दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम उन चीज़ों को लेकर संवाद कर सकते हैं बिना अपनी जड़ों से उखड़े या अपनी डार से बिछड़े ही। और मेरे ख्याल से समय जितना हमें दिया गया था वो तकरीबन पूरा हो रहा है। और आखिर में एक बात, एक छोटी सी कहानी आपसे साझा करके, शेयर करके इस बात को समाप्त करूंगा। अगर आप में से किसी कुछ सवाल होंगे तो उनका उत्तर हम सब तलाशने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि जे वॉल्फ गैंग गौथे 1749 में जन्मे, बहुत बड़े कवि थे, जर्मन कवि थे, और 1832 में वो नहीं रहे। 1808 और 1832 के बीच की लिखी उनकी एक कविता है, लंबी कविता है, फास्ट। अब ये कविता नहीं मालूम कि उसके बीच लिखी गई है या लगातार लिखी जाती रही है। उस कविता को आधार बनाकर मार्लो ने एक नाटक लिखा, डॉक्टर फास्टस। डॉक्टर फास्टस नाटक में फास्टस शैतान से ये कहता है, एक सौदा करता है कि मुझे दुनिया का सर्वोत्तम ज्ञान, सर्वोत्तम संसाधन, बहुत सबसे ज़्यादा धन, सुख सुविधा, सब कुछ मिल जाए। शैतान उसे वादा करता है कि ये सब मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे अंत के समय या अंत के बाद तुम्हारी आत्मा को मैं नरक में ले जाऊंगा। डॉक्टर फास्टस राजी हो जाता है। शैतान अपना एक नौकर मेफिस्टोफेलीस को छोड़ जाता है डॉक्टर फास्टस के पास। जीवन भर शैतान द्वारा दिए गए सबसे ज़्यादा ज्ञान, सर्वोत्तम ज्ञान, धन, सुख सुविधा, ऐशो आराम, सबको साथ का भोग करने के बाद अंत समय जब उसकी आत्मा नरक में जाने को होती है तो बहुत गहरे मानसिक अवसाद और पीड़ा में आ जाता है। उसे लगता है कि ऐसी सुख, ऐसी सुविधा, ऐसे भोग का क्या अर्थ जब आत्मा ही नरक में जा रही है। तो वापस अपने समाज को देखें, अपने लोगों के चेहरों को देखें, उनके पसीने की चमक को देखें, अपने लोगों के, करोड़ों लोगों की आँखों के आंसुओं के खारेपन को महसूस करें, उस तीखेपन को अपनी आँखों में महसूस करें, उस भूख को अगर देखें तो कैसा सुख, कैसी सुविधा जब अपने ही लोगों के इर्द गिर्द इतने दुख, संतरास, पीड़ा ने घेर रखा है उनको, तो उनकी आवाज़ बनने की कोशिश हो, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने की कोशिश हो, उनके साथ हाथ उठाने की कोशिश हो, तब हम शायद अपने अंत समय, अपने आखिर के दिनों में अवसाद और पीड़ा में नहीं जिएंगे। और ये रास्ता थिएटर
देता है कि हम अपने समूह की आवाज़ बन सकें, अपने समूह को का जो स्वर है उसे ऊंचा उठा सकें। धन्यवाद। कोई सवाल हो तो कुछ और बात हो सकती है। राजकुमार जी ने पूछा है कि विशिष्ट अनुभव संभव हो तो रंगमंच बतौर अभिनेता और निर्देशक क्या अनुभव रहे हैं। विशिष्ट अनुभव, राजकुमार से मैं क्या कहूँ, मेरा जो अनुभव है, पहले मैं भूत सबके साथ होता है, अक्सर होता है कि मेरा लक्ष्य ये नहीं था कि मैं निर्देशक बनूँगा, नाटक का को डायरेक्ट करूँगा, अभिनेता ही था। और जब लगा कि बहुत सारे अच्छे नाटकों में और बहुत बड़े लोगों के साथ, ख्यातिनाम लोगों के साथ रंगकर्म करने का अवसर मिला, इलाहाबाद में बहुत ज़्यादा रंगमंच जो सबसे अच्छा और सबसे उत्कृष्ट काम सचिन तिवारी जी के साथ, मंजुल वर्मा जी के साथ किया मैंने, बहुत से ऐसे नाटक भी किए जो अब काले अध्याय जैसे हैं, उन पन्नों को फाड़ के लगभग मैं फेंक ही चुका हूँ। तो बतौर अभिनेता मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा था, अपनी खोज करता था, या उस निर्देशक के इंटरप्रिटेशन से अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपनी समझ के अनुसार उस इंटरप्रिटेशन के पास ले जाने की कोशिश कन्विंस होते हुए भी करता था। लेकिन बाद में लगा कि निर्देशक के रूप में जिम्मेदारी संभालने के बाद कि मेरे भीतर ही वो सारे अभिनेता अभिनेत्री हैं और सबके अलग अलग सुर हैं, सबकी अलग अलग आवाज़ें हैं, सबकी अलग अलग व्याख्या है, सबका अलग चरित्र है, तो मुझे इन सबको दिशा देनी है, सबको एक सूत्र में बांधना है, एक साथ जोड़ना है। तो वो जिम्मेदारी बढ़ गई, या वो पहले जैसी उन्मुक्तता नहीं रही। अब मंच पर भले ही ना दिखे, अभिनेता ही दिखे, लेकिन वो अभिनेता मेरा ऐसा मानना है कि मेरे भीतर से होके गुजरे हैं। तो सब की कई सारे अभिनेताओं को कुछ समय के लिए अपने गर्भ में, उन चरित्रों को अपने गर्भ में रखना, उसके बाद उसका जो प्रसव है मंच पर, उसका आनंद देखना, वो अलग सुख है, लेकिन उसके संघर्ष हैं, शारीरिक तो कम, लेकिन इसमें मानसिक व्यस्तता, बोझ नहीं कहूँगा मैं, व्यस्तता बहुत बढ़ जाती है और कई बार बहुत थकान भी हो जाती है। तो ये अनुभव रहे हैं मित्र मेरे। सारे मित्र लोग ही सुन रहे हैं तो खूब प्रशंसा की है मेरी और आलोचना। देवेंद्र भाई ने कहा है कि मैं अपनी किताब रंग सृजन के बारे में बताऊं। मैं लिखता रहा हूं, अखबार में काम करता रहा हूं, और उसकी अलग वजह, दो वजह है। एक तो अखबार में काम करने से जो पैसे मिल जाया करते रहे हैं, इससे जीवन को सहजने में आसानी होती रही है। दूसरा, दोनों ने मेरे काम को समृद्ध किया है, लेखन ने थिएटर को और थिएटर ने जो दृष्टि दी है वो लेखन को। कई बार मेरे पाठकों को लगता है कि ऐसा मैंने कैसे लिखा है, दरअसल वो थिएटर का ग्रामर होता है या थिएटर के टूल्स होते हैं, थिएटर की युक्तियां होती हैं जिन्हें मैं अपने लेखन में आजमा लेता हूं, और पाठक उससे परिचित नहीं होते तो वो चौंकते हैं कि मैंने ऐसा कैसे लिखा, या उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें बहुत नया सा कैसे हुआ। और
मेरे टीम के साथ ही बहुत से मेरे इम्प्रोवाइजेशन से या मेरी कई बातों से वो चौंकते हैं कि इतनी इन्फॉर्मेशन मैं कहाँ से ले आता हूँ या मैं क्या पढ़ता ही रहता हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है, पढ़ता हूँ लेकिन इतना भी नहीं कि जब डॉन क्विक्सोर जैसा, डॉन किखोते जैसा मैं रात दिन पढ़ता रहूँ। तो एक मैंने कहा ना कि एक स्मार्ट मनुष्य, स्मार्ट से मेरा कहने मतलब कि बहुत ब्रांडेड टी शर्ट या जीन्स पहनने से नहीं, एक सचेत मनुष्य बने रहने के लिए जो इन्फॉर्मेशन जो दुनिया को जानने के लिए ज़रूरी होता है वो सब मैं हासिल करता रहता हूँ। तो वो जो अखबार में लिखने में काम आता है और दृष्टि थिएटर को बेहतर बनाने में काम आती है। मेरे जो लेख थे पहले वो जो लगभग करीब 15 साल पहले के लिखे हुए अलग अलग अखबारों में पत्रिकाओं में लिखे हुए लेख हैं उनका संकलन है वो, और उसमें थिएटर और सांस्कृतिक आलोचना से जुड़ी चीज़ें हैं, कुछ इंटरव्यूज हैं रंग सीजन में, और मेरे दो नाटक ऐसे हैं उनकी जो प्रस्तुति प्रक्रिया है जो मेरी वो मैंने उसमें लिखा है। और ये दो नाटक बच्चों के लिए नाटक थे, बनाए गए थे, और ये दोनों नाटक ही जश्न बचपन और तमाम महोत्सवों में हुए थे। और ये एक लोगों के लिए एक नई सी किताब या नए से कंटेंट की किताब इसलिए लगती है क्योंकि उसे एक थिएटर वाले ने लिखा है, और सुखद यह था कि उस किताब पर जो टिप्पणियाँ की हैं वो इस दुनिया के बड़े स्कॉलर और बड़े स्कॉलर्स में से एक शमसुर रहमान फारूकी जी ने लिखा है, और बड़े कवि और इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर बद्री नारायण, हिंदी के बड़े समालोचक प्रोफेसर संतोष भदौरिया जी ने टिप्पणियाँ की हैं, और प्रभात जी जो बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं दुनिया के और बहुत सुजान और नामी संपादक हैं, उन्होंने भूमिका लिखी है उसकी। सुखद क्षण वो था कि जब इस किताब का विमोचन करने के लिए मेरे गुरु संरक्षक आदरणीय रतन थियाम जी आए, शमसुर रहमान फारूकी साहब थे, और प्रभात जी, संतोष भदौरिया जी, डॉक्टर ब्रजेश्वर आदि बहुत सारे मित्र अग्रज और ऐसे लोग उस किताब का विमोचन किए। तो ये मेरे किताब छपने के साथ उसमें उन पन्नों की तरह शामिल है जो उसमें किताब में तो नहीं है लेकिन मेरे जीवन में जुड़ गया है कि इन लोगों को किताब से जुड़ना और इन लोगों के प्रेरित करने पर वो किताब का आना और उनका विमोचन करना। ये सवाल राजकुमार जी ने कहा है कि महामारी से जूझ रहे युवा रंगकर्मियों के लिए कोई संदेश या कोई उपाय जैसी चीज़ नहीं है, वो तरीके या वो इलाज जो मैं खुद पर आजमा रहा हूँ, क्योंकि जो पीड़ा आप सबकी है वही हम सबकी है, सामूहिक पीड़ा है। तो मैं कहता हूँ कि उम्मीद बहुत जिंदा शब्द है, तो एक उम्मीद रखनी चाहिए कि ये समय और बहुत दिनों तक नहीं टिकेगा, ये संकट हट जाएगा, टल जाएगा, और इस बीच में अपनी मानसिक तैयारी कर सकते हैं, जो दुनिया का अच्छा सिनेमा है वो देखें, अपने क्लासिक्स हैं भारतीय भाषाओं में, विभिन्न भाषाओं में, उन भाषाओं को जानते हैं तो, नहीं जानते हैं तो उनका अनुवाद, और जो श्रेष्ठ संगीत है, जो अच्छा सिनेमा है भारतीय और विदेशी, अच्छा अच्छी पेंटिंग्स हैं, अच्छे फोटोग्राफ्स हैं, उनको देखें, और आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि आप बहुत समृद्ध हुए हैं और उनसे आपका कद बढ़ा है। तो ये एक जिसे कहते हैं कि एक अगली तैयारी से अपने हथियारों से लैस होने जैसा है ये, कि आप अपने इक्विपमेंट, अपने हथियार माँच सकते हैं
उसे लैस हो सकते हैं, जिसे जब भी नाटक करने का अवसर मिलेगा और जल्दी ही मिलेगा, तो ज़्यादा परिपक्व और विकसित दृष्टि के साथ नाटक किया जा सके। ये राजकुमार जी ने तुगलक की याद दिलाई है कि तुगलक में मैंने तुगलक की भूमिका की थी, और उसमें दानिश इकबाल का बड़ा श्रेय इसलिए है कि दानिश ने तमाम आलोचना और लोगों की निंदा की परवाह किए बिना मुझे तुगलक की भूमिका दी। कई लोगों को ये आपत्ति थी कि ऐसा व्यक्ति तुगलक कैसे करेगा कि जिसका बायां हाथ नहीं है। दानिश ने जो भी जवाब दिया हो, लेकिन खुद वो मुझसे सहमत थे और उन्हीं का ये विश्वास था, उन्हीं की इच्छा थी कि वो तुगलक के लिए मुझे तय किया था, वो रोल सौंपा था। मुझे लगता है कि कभी दानिश ने इस बात की शिकायत नहीं की, और दर्शकों की ओर से मुझे कुछ सुझाव ज़रूर मिले, लेकिन तीखी आलोचना कभी नहीं मिली। जैसे अब राजकुमार ही आज भी प्रशंसा कर रहे हैं, तो मुझे तारीफ ही इतने सालों के बाद भी मिलती रही है, तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए संतोष की बात है। और दानिश ने अपनी ये चिंता श्रद्धेय बाबा कारंद जी से भी साझा किया था कि इलाहाबाद में लोग ऐसा ऐसा कह रहे हैं प्रवीण शेखर को तुगलक का रोल दिए जाने पर। कारंद जी मुझे जानते थे और दानिश को तो जानते ही थे, और उनसे कई मुलाकातें थी और बहुत स्नेह भी करते थे, और उन्होंने ही कन्नड़ से तुगलक का हिंदुस्तानी अनुवाद किया है। अब वो नहीं है, लेकिन उनकी याद आती है। दानिश के निर्णय का भी उन्होंने ज़ोरदार समर्थन किया था, उसी की वजह से दानिश ने अपने साहस को बनाए रखा, अपनी हिम्मत को बनाए रखा, और तुगलक के कई सारे शोज हुए इलाहाबाद में, इलाहाबाद के बाहर। मेरी भी सुखद स्मृतियों में से वो एक है। और लेकिन इसके लिए दानिश को ज़्यादा श्रेय मिलना चाहिए। किताब के बारे में मैंने कह दिया, और कुछ और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। राजकुमार ने मेरे नाटक हवालात, जो राजकुमार का भी नाटक हवालात है, और ये संयोग देखिए कि हम दोनों ने ही हवालात किया, आलेख एक लेकिन अलग अलग दृष्टि अलग अलग, उसका व्याख्या, उसका अभिनय उन कलाकारों का ऐसा कि वो जो अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव भारंगम में 2003 में हम लोगों का हवालात हुआ, और उसके कुछ वर्षों बाद राजकुमार का भी, तो मेरे लिए ये बहुत सुखद स्मृतियां हैं कि राजकुमार, और राजकुमार का नाटक देखा था मैंने इलाहाबाद में, बिल्कुल अलग ही रंग भाषा का नाटक, और मुझे तो चमत्कृत करने वाला नाटक। और शायद यही बात उन दोनों प्रोडक्शंस को लेके भारंगम की कमेटी को भी लगा होगा, तभी उन्होंने जगह दी इतने प्रतिष्ठित समारोह में। ये तो, और हवालात ऐसा नाटक है कि आज भी मेरे साथ चलता है कि जब भी थोड़ी निराशा या हताशा होती है, तो मैं हवालात की उंगली पकड़ लेता हूँ, उसकी उंगली थाम लेता हूँ। और पिछले साल ही, इसी साल के जनवरी महीने में, हवालात के 5 प्रदर्शन असम और मेघालय में हुए। तो ये नाटक मेरे साथ, मेरी टीम के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मेरे अभिनेताओं के साथ चल रहा है, और अब इसमें भास्कर शर्मा, अनुज, अमर सिंह,
अंजल, पृथ्वीराज वार्ष्णेय, सिद्धार्थ, सतीश तिवारी, ये सब साथी हैं जो अलग अलग प्रदर्शनों में भूमिकाएं करते रहते हैं। कोई और सवाल नहीं है, मुझे लगता है कि लगभग एक घंटा हो गया और फिर से राजकुमार रजक जी का और मित्र देवेंद्र जोशी जी का जन सरोकार मंच का बहुत आभार, बहुत शुक्रिया और आत्मीय आभार इसलिए आपने कि मुझे बुलाया इस मंच पर, इस पेज पर, और आपसे रूबरू होने का मौका दिया। ये बहुत सुख मिला, कभी वर्चुअल नहीं, कभी रियल की शक्ल में हम लोग मिलेंगे, कहीं ज़रूर मिलेंगे। बहुत आभार, नमस्कार, धन्यवाद।